ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚାଇବ କବଚ। ବିପଦ ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ଆପେ ଆପେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବ କବଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରାଜସ୍ଥାନର ମାଧପୁରରୁ କୋଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ କବଚ 4.0ର ସଫଳ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କବଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ 2016ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। କବଚର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ 4.0କୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ କବଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲର ନିକଟତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। कवच का डेवलपमेंट 2016 में चालू हुआ और 2019 तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, सर्टिफिकेशन हुआ, उसके बाद में भी उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए, नए नए वर्जन लाए गए और वर्जन 4.0 16 जुलाई 2024 को अप्रूव हुआ, आरडीएसओ ने अप्रूव किया। वर्जन 4 का पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन हुआ है। कम्प्लीट कमिश्निंग हो चुकी है, इसकी लग चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है, आज इसका इंस्पेक्शन था। तो बहुत ही एक अच्छी सुविधा है, आप देखोगे इसमें कवच में, अगर आप कवच की स्क्रीन देखो तो इसमें, इस स्क्रीन में कई किलोमीटर दूर का जो सिग्नल है वो सिग्नल पहले ही ड्राइवर को यहीं पे दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड पे चला सकता है गाड़ी ड्राइवर, वो इसमें क्लियर आ जाता है। अगर ड्राइवर उससे ज़्यादा स्पीड करे तो कवच ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देता है, ब्रेक लगा देता है। रेड लाइट अप्रोच हो रही है और उसमें ब्रेक लगाना है, बाय चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। एक तरीके से ड्राइवर की लाइफ में बहुत बड़ा एक इसमें सुधार आया है और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा इससे सुधार आया है। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।